अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। तो यार, पहले तो मैं इंट्रो दे दूँ अपना थोड़ा सा। तो मेरा नाम फरदीन खान है, तो भाई इतना ही काफ़ी है। तो यार, व्लॉगिंग का मैंने वैसे सोचा तो नहीं था कभी कि मैं भी करूँगा, लेकिन अब मैं ना एक्चुअली अभी भी नहीं मुझे पता कि मैं ये आगे कंटिन्यू कर सकूंगा कि नहीं। बना रहा हूँ, देखते हैं बनता है नहीं बनता। तो खैर, मैं जा रहा था फैमिली के साथ मरी, जो कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि मरी जा जा के मैं बिल थक चुका हूँ। अगर मैं कहता हूँ कोई बंदा आगे जाए, लेकिन घर वाले मरी तक ही रहते हैं। तो खैर, जाना पड़ गया, मानना पड़ गया। तो सोचा थोड़ा व्लॉगिंग श्लॉगिंग करते हैं, ट्राई करके देखते हैं किधर तक कामयाब होते हैं, किधर तक नहीं। तो अभी ये जिस तरह हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या हुआ हुआ है, ये बियर्ड और ये कटिंग शटिंग होने वाली हुई है सारी। तो अभी चलते हैं कटिंग की शॉप पे और वहाँ पे जाके कटिंग वगैरह करवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यार, कटिंग करवाने के लिए निकल आया हूँ मैं, और गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद है। तो और अभी मुझे काम भी बहुत सारे करने हैं, घर वालों को भी लेके जाना है और इसकी ड्यूटी शुरू। अभी सीट बेल्ट बाद में लगाऊंगा, थोड़ा सा रास्ता है। यार, मैं अभी आया हूँ घर सारे काम शाम करके। तो जी, पता चला कि मिट्टू को भी छोड़ के आना अपने। तो ये मिट्टू है और साथ ये दो मिट्टू हैं मेरे। तो जी, इन साहब जी को नानों के घर छोड़ना है, इनको वहाँ पर छोड़ने जा रहा हूँ मिट्टू साहब को। फिर उसके बाद पता नहीं आगे क्या होता है। तो यार, इधर स्टोर आ गया हूँ मैं घर वालों को लेके, और फिर अब इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं रात में ही रेडी वगैरह होके। तो यार, मैं तैयार वगैरह हो गया हूँ, और एक बात ये भी बतानी थी आप लोगों को कि हम लोग कोई बस वगैरह में नहीं जा रहे, ना ही गाड़ी में जा रहे हैं। हम लोग का प्लान है ट्रेन में जाने का। तो अभी 11:07 हो गए हैं और हम लोगों की ट्रेन है जी ये 12:30 की। तो अभी कोई अभी भी मेरा सामान ये देख लें आप लोग, ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है, कोई पैकिंग शेकिंग नहीं हुई मेरी फाइनल अभी तक। तो अभी मैंने सोचा आप लोगों को भी नमाज पढ़ी है, तो सोचा आप लोगों को पहले अपडेट वगैरह दे दूँ। अब मैं अपना पहले सामान फाइनल करता हूँ सारा, और उसके बाद फिर ऊबर वगैरह करवाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ स्टेशन पर। तू मेरा पुत्र छुट्टी का भी आने का दिल कर रहा था। लो भी आ जाओ आप, यार चाय वाले भाई आए हैं, आप चाय पीने लगे हैं इससे लेके। ये हम चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय शाय बनती है तो फिर चाय पीते हैं। नहीं सही आ रहा नहीं। तो यार, इधर रावलपिंडी आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई है इस टाइम। अभी आगे का कुछ नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, अभी तो बस अभी उतरे हैं रावलपिंडी, और टाइम हो रहा है 5:20 हो गए हैं। जो भी होता है खैर, आप लोगों को बताता रहूँगा साथ साथ।
फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मरी आ गए हैं सेफ एंड साउंड एवरीथिंग। तो अब यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हैं, ये जगह है इधर नाश्ता वगैरह बन रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कि हाँ भी मरी पहुँच गए हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेफली। तो इस टाइम चार्जिंग बिल्कुल डाउन है, बाकी फिर मिलते हैं आगे जाके, अब इंशाल्लाह गेस्ट हाउस में ही मुलाकात होती है। तो यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं मरी। ओहो, मरी का तो मैंने पहले भी बता दिया था, बाकी अपने मतलब गेस्ट हाउस वाली लोकेशन पे हम लोग आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमें पता चला है कि जी हम लोगों को चेक इन हम लोगों की होगी 12 बजे और अभी बज रहे हैं 9, तो ना अभी हम लोगों के पास 3 घंटे स्पेयर पड़े हुए हैं, उसके अंदर हम लोग ये आसपास की जगह को एक्सप्लोर वगैरह कर रहे हैं। ये पहले ये जगह बड़ी साफ़ होती थी, लेकिन अब ये जगह बस तोड़ फोड़ हो गई है सारी। तो मौसम में आप लोगों को यहाँ से व्यू चेक करवाता हूँ, अच्छा है मौसम यार, लेकिन देख लो हाफ शर्ट मैंने पहनी हुई और मैं तो चाह रहा हूँ कि ठंड ठंड लगे थोड़ी सी, लेकिन कोई ऐसा सीन नहीं है। आ जाओ ब्लॉग में, स्टार्ट है। हाँ स्टार्ट है, पहली फुर्सत में निकल गया तो मेरा भी ऐसा ही है यार, क्या करें अब हम लोग, अब यकीन ही नहीं हुआ अभी यार के बंदा कुछ हो गया, वही ना मुंह हाथ धोए जरा, आइडिया ही नहीं था कि यार इस तरह का कोई सीन बनेगा। हम लोगों को तो यहाँ पे आके पता चला कि लो जी हमारा चेक इन ही 12 बजे, ऐसा प्रैंक हुआ है हम लोगों के साथ। तो वैसे अंदर जाके भी सही था, फ्रेश फ्रुश होकर फिर शाम का सीन रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अभी तो आए हैं, मौसम अच्छा है यार। बाकी वैसे आप बताओ कैसा रहा आपका सफर सफर यार, वैसे जो एक हमारी हमारे साथ हुई है वो तो बहुत बुरी हुई है, वो तो मैं नहीं किसी को बताने वाला ना, वो बताने के लायक है, वो जो आई भी हमें कमेंट्स करेंगे उनको पर्सनली बता सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक चीज नहीं। अच्छा अभी मुझे नहीं पता मैं ये यूट्यूब पे अपलोड करूंगा कि नहीं, क्योंकि मैं इतना अच्छा मेरा व्लॉग होगा कि नहीं, लेकिन चलो ट्राई कर रहे हैं, जहाँ तक गए वहाँ तक हो जाएगा, देखते हैं जी आगे क्या बनता है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे अपने 3 घंटे किसी तरह गुजारने की कोशिश करते हैं, फिर जब गुजर गए फिर अंदर जाके आपको इंशाल्लाह अपना गेस्ट हाउस का टूर करवाऊंगा। हम लोगों के तो 2 पोर्शन है, एक ऊपर है और एक नीचे है, वो सारा भी दिखाएंगे, तो अभी ना बताना अभी दिखाएंगे यार, चलो पहले बता रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बता रहे हैं, कह दो जो कहना वो आपका, वो मेरा चैनल है, आपको जो कहना सब्सक्राइब कर दें, इसका क्या नाम है, अभी मैंने नाम कुछ नहीं सोचा, अभी नाम शाम भी सोच लेंगे यार, अभी मैंने आपको बताया ना मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपलोड अपलोड करूंगा कि नहीं, हाँ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब का मैं कुछ नहीं कह रहा फिलहाल, क्योंकि मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर तक, अगर कुछ अच्छा सीन सुन बनता है तो फिर आप लोगों को वो भी दिखाते हैं, तब तक के लिए अलाफिज़। यार फाइनली आफ्टर इतना ज़्यादा इंतज़ार हमें हमारा मतलब हमारा चेक इन हो गया होटल में अपना गेस्ट हाउस में, और इस टाइम मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, समझो हाल हुआ है ना मैं बता नहीं सकता, इतनी ज़्यादा थकावट हुई है, तकरीबन 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया सोए हुए, और उसके बाद रास्ते की खुआरी और ये मतलब बहुत इस टाइम बुरा हाल है। लेकिन एक अच्छा बात यह है कि मौसम वगैरह काफ़ी अच्छा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा धुंध शुंध हुई हुई है और मौसम के हालात काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हो गई, इस टाइम खड़े होने तक की हिम्मत नहीं है। तो मैंने सोचा था कि मतलब होटल में जब अपना जब चेक इन हो जाएगा तो फिर बनाऊंगा एक मतलब अंदर से सारा दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन अब इस टाइम हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, और इस टाइम सब थके हुए हैं और सब अपने अपने कमरों में जाके लेट गए हैं, एक मैं बाहर बैठा हुआ हूँ बस, और समझ नहीं लग रही सोऊं क्या करूँ, क्योंकि अभी 12 बज गए हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं शाम में, फिर देखते हैं क्या आगे करना है। तो यार 1.5 घंटे सोने के बाद फाइनली उठ गए हैं, अब बाहर ये क्या हो गया, अगला बंदा अगले बंदे को नजर है, अगला बंदा अगले बंदे को नजर नहीं आएगा पिछले बंदे को। यार बहुत ज़्यादा अभी भी उधर ऊपर जाना है, बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम अजीब सीन हुआ है, तबीयत का मौसम तो अच्छा है
लेकिन तबीयत नहीं सही अभी फिलहाल। तकरीबन घंटा डेढ़ सोए होंगे हम लोग, तो बस सो गया, उठ गए हैं। वो भी इन्होंने उठाया, मैंने, मेरा तो उठने का मूड नहीं था अभी। शायद मैं अभी अंदर जाकर दोबारा लेट जाऊँ। नहीं लेट नहीं, ऐसे नहीं आती थे यार, व्लॉग बना। तो सर्दी हो गई है यार एकदम। चलाओ पर ना, हम अभी भी हाफ में ही फिर रहे हैं। ऊपर जा रहा हूँ, अरे लोग में पागल कर रहे कहने तो लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऊपर आ गए हैं हम लोग और ऊपर भी मौसम का यही सीन है। और बाहर आ गए हैं हम लोग फिर से और बाहर विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हुई है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है आगे पीछे सारा। और हम लोग अपना वॉक करने के लिए आ गए हैं बाहर फिलहाल। बिला वजह की प्रमोशन ना करो आप यार। ये मेरे से बार बार पूछे जा रहे हैं ये बादल है ये क्या है। भाई जान ये बादल हैं, ये और कुछ नहीं है, ये फॉग नहीं है। अच्छा? ये सारे बादल हैं और ये भी पुरानी गाड़ी यहाँ की थी, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ चलने के काबिल हैं, हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे चलने के काबिल नहीं है। ठंड आस्ते आस्ते बढ़ती जा रही है यार। वो बारिश शुरू हो गई लो जी। नहीं हाँ बारिश शुरू हो गई है यार, मेरे ऊपर गिर रही है ये देखो। अरे इधर बारिश गिर रही है दरख्तों से, ये दरख्तों से पानी गिर रहा है कि बारिश हो रही है? दरख्तों से गिर रहा है यार। ओहो बारिश नहीं हुई यार, बारिश होती तो फिर जरा पैंक हो गया, अच्छा हो जाता और काम। वॉक पे वॉक 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 भूख लगनी शुरू हो गई है यार। मुझे सुबह 7 बजे का नाश्ता किया हुआ, मुझे भी 7-8 बजे का, अभी खाया फिर नहीं कुछ। अजीब ही सीन है यार अभी। मसाला फ्रेंचीज, मसाला ही ले लो यार। अब हमारी फ्रेंचीज खाने वाली उम्र तो है नहीं। लो रेड बुल नहीं पड़ा यार आपके पास? पड़ा हुआ है। अच्छा आपने पर रखा हुआ रेड बुल? तो ये बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, सब कुछ। चल यार वापस नीचे आ गए हैं हम लोग, अब क्या करना है? यार जगह दिखा दूं। ये भी सारे अपनी सिटिंग का सीन है यार। मौसम भी माशाल्लाह अच्छा होगा काफी। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो फिर आप लोगों से मिलता हूँ। नहीं तो क्या आप लोगों को भी बार बार मौसम दिखाता रहा, सब कुछ गीला हो गया। हाँ ये भी गीली है वैसे तो। चलो कोई नहीं, वो कर देंगे साफ फिर, अभी फिर बैठते हैं। तो यार इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने लगा हूँ, ठीक है? आप लोग अपना ख्याल वगैरह रखें, इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I'm not afraid of the dark.